सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसके मोटरऑयल में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीवीएस अपाची 125 बीसीएस मॉडल के बारे में। तो दोस्तों, बहुत लोगों को इस बाइक के रिलेटेड डाउट था कि यह बाइक लॉन्च होगी कि नहीं, और अगर होगी तो क्या कुछ स्पेसिफिकेशन रहने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि यह बाइक आपको देखने को मिलेगी कि या नहीं, और अगर मिलेगी तो कब तक लॉन्च होगी। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो हमें अभी का भी फॉलो कर लें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए। तो बने रहिए आज वीडियो के साथ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करना चाहेंगे इस बाइक के लॉन्च होने के चांसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस बाइक के जो लॉन्च होने का चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अभी अगर आप मार्केट में देखते हैं तो 125cc सेगमेंट वो काफ़ी ज़्यादा ग्रोइंग सेगमेंट है बाइक्स में। तो अगर आप अभी मार्केट में रिसर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि जो लोग 100cc या 110cc बाइक्स ले रहे थे, वो अब 125cc सेगमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं ज़्यादातर। क्योंकि फ्रेंड्स, 125cc सेगमेंट अभी एक ऐसा सेगमेंट बन गया है जिसमें कि आपको काफ़ी अच्छा लुक्स और फीचर्स वाली बाइक मिल रही है। जैसे कि आप अभी फिलहाल में लॉन्च हुई बाइक देख सकते हैं, जैसे कि पल्सर 125 नियॉन, पल्सर 125 स्प्लिट सीट, KTM ड्यूक 125, KTM RC 125, SP 125, साइन 125 जैसे बाइक्स हैं। तो ऐसे में अगर आप देखते हैं तो एक अच्छे लुक्स के साथ एक अच्छे 125cc बाइक का वेट बहुत लोग कर रहे हैं। ऐसे में TVS भी पीछे रहने वाली नहीं है, ये जल्द ही इस बाइक को लॉन्च करने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर कंपनी इस बाइक को लॉन्च करती है तो उसमें आपको सेम अपाची RTR 2B वाला लुक मिलेगा, आपको RTR 4B वाला लुक नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर TVS इसे 4B वाले लुक में लॉन्च करती है तो इसका प्राइसिंग काफ़ी हाई चला जाएगा, इसलिए आपको 2B वाला लुक ही देखने को मिलेगा, सिर्फ इसका इंजन छोटा रहेगा। तो बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। तो इसमें आपको 124cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक एयर कूल्ड BSS कॉम्प्लाइंट FI इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि आपको पावर प्रोड्यूस करेगा 13 BHP का और टॉर्क प्रोड्यूस करेगा 12.5 Nm का। तो अब बात करते हैं इसके ब्रेकिंग के बारे में। तो इस बाइक के फ्रंट में आपको 270 mm का डिस्क ब्रेक और इसके रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलेगा, जो कि कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ रहेगा। तो फ्रेंड्स, अब बात आती है कि यह बाइक कब तक लॉन्च होगी। तो ये बाइक आपको नवंबर से दिसंबर के बीच में लॉन्च हो सकती है, या फिर कोरोना के कारण डिले होकर आपको नेक्स्ट ईयर 2021 के स्टार्टिंग में लॉन्च हो सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में TVS अपाची RTR 125 BSS मॉडल के रिलेटेड बस इतना ही। तो अगर आपके मन में इस बाइक के रिलेटेड कोई भी डाउट रह गया है तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर आकर हमसे डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड।